Hello, dear learners. This is day 32 of our English speaking course. And from day 1 to day 30, we have covered the basic of grammar used while speaking English or during the conversations. Now, the interesting parts start from day 31. We are practicing the scenarios in which we have to communicate or we have to express our feelings. Just like in day 32, we'll be learning how to refuse something. मैं नहीं आ सकूंगा. I want to be able to come. आप जो चाहे, आप जो चाहते हैं, वो मैं नहीं कर सकूंगा. I want to be able to do as you use. मैं आना नहीं चाहता. I don't want to come. I am sorry to refuse. मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना हो. वे इससे सहमत नहीं होंगे. दे वॉन्ट एग्री टू दिस. यह संभव नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल और इट इज इम्पॉसिबल. अफसोस है मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता. आई रिग्रेट. आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. आप मेरे विचार से सहमत नहीं है ना. You don't agree with me, do you? इसका प्रबंध नहीं हो सकता. I can't be arranged. Sorry. इसका प्रबंध नहीं हो सकता. It can't be arranged. उसे यह पसंद नहीं है. She does not like it. विश्वास, believing. क्या आप विश्वास नहीं करते? Don't you believe it? यह केवल अफवाह है. इट्स ओनली अ र्यूमर. यह सुनी सुनाई बात है. इट्स ओनली अ हेयरसे और इट्स अ र्यूमर. क्या हमें इस टैक्सी ड्राइवर का विश्वास करना चाहिए? शुड वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर? आप इनका पूरी तरह विश्वास कर सकते. यू कैन ट्रस्ट देम फुली. मुझे उस पर पूरा भरोसा है. आई हैव फुल फेथ ऑन हिम. Sorry, I have full faith in him. How to request somebody? जरा ठहरिए. Please wait. वापस आइए. Please come back. So this is very basic. You can practice it. जरा देखने दो. देखने तो दो. Let me see. Let them relax. उन्हें आराम करने दीजिए. Let them relax. जरा कागज पेंसिल दीजिए. Please give me a pencil and paper. परसों जरूर आइए. भूलिए मत. प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो. डोंट फॉरगेट. फिर से कहिए. प्लीज रिपीट. और यू कैन से पार्डन. द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट द लिसनर इज नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली. आई बेग योर पार्डन. थोड़ा खिसक सकते हैं? कुड यू मूव अ लिटल और कुड यू शिफ्ट. क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं? कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो? मुझे माफ करें. प्लीज फॉरगिव मी. सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुंचे. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम. सो दिस इज ऑल अबाउट डे 32 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. एंड बाय पासिंग अ डे द आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. एंड बेसिकली वी आर प्रैक्टिसिंग the daily conversations. We are taking the scenario just like you can say how to request somebody and how to refuse some proposals and all.